खबर हाथरस के थाना सादाबाद से, जहां नेशनल हाईवे NH-93 से गुजर रहे एक आयशा टैंकर ने अचानक सामने चल रहे अज्ञात वाहन में टक्कर मार दी, जिसमें उसमें भीषण आग लग गई। चालक ने खुद का जान बचाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपेटों से वह ऐसा घिरा कि उसकी जिंदगी जलकर मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी पहुंची, लेकिन आग तब तक बेकाबू हो चुकी थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग के कारण हाईवे पर दोनों ओर जाम लग गया। घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा। आपको बता दें कि थाना सादाबाद अंतर्गत स्थित गांव गीगल के सामने रविवार तड़के करीब 3:30 बजे वहां से गुजर रहे एक आयशर टैंकर की अज्ञात वाहन से भिड़ंत हो गई, जिसमें चिंगारी निकलने के बाद भीषण आग लग गई। चालक ने कूदने का प्रयास किया, मगर आग की चपेट में आने से उसकी जलकर मौत हो गई। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। आयशर टैंकर में केमिकल होने के कारण आग बेकाबू हो चुकी थी। स्थिति बिगड़ती देख फायर ब्रिगेड की करीब 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और सुबह 5 बजे तक किसी तरह आग पर काबू पाया गया। आग के कारण हाईवे पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। गांव के सामने हुए हादसे से अफरा तफरी का माहौल मच गया। मारे गए चालक की शिनाख्त रायदे उर्फ राजू पुत्र रामबख्श निवासी बबरौली रिटोरा कला मुरैना के रूप में हो चुकी है। पुलिस ने जले हुए शव को कब्जे में ले लिया है। खबर जनपद एटा के कस्बा जैथरा थाने से, जहां सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक एवं कठपुतली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नाटक के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें पुलिसकर्मियों ने भागीदारी निभाई तथा शपथ ली। शपथ लेने वाले जयकिशन, सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार, वार्ड लीडर असलम कंचन, राहुल दीपक, हरिकेश सत्येंद्र, रामदयाल यादव पुलिसकर्मी मौजूद रहे।